इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओ, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ जिला गाजीपुर के जमानिया से देवरिया से चंद्र भूषण बोल रहे हैं सर। जी जी, कैसे हैं आप? ये गाजीपुर में देवरिया जगह है या फिर देवरिया जिले से बोल रहे हैं? अरे देवरिया गांव है, जमानिया में देवरिया गांव की, गाजीपुर की देवरिया में। अच्छा अच्छा, और क्या करते हैं आप वहाँ पर? अरे आई घर ही पाए सर, नगरी नहीं भी, लेकिन अब ये तो है कि रेडियो का तो साथ बना हुआ है आपका। हाँ जी जी, तो अच्छा लगता है आप जैसे श्रोता इतने उत्साह और उमंग के साथ हमसे जुड़ते हैं और प्रोग्राम में प्रतिभाग करते हैं। कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों सुने, क्या अच्छे लगते हैं कार्यक्रम आपको? सभी, लक्ष्मी अग्नैया, कृषि जगह, सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपके। जी हाँ, और गाने किस तरह के सुनते हैं आप आमतौर पर, नए या पुराने? नए पुराने सर। तो आज कौन सा गीत सुनना है आपको इस कार्यक्रम में? गीत तो सुनेंगे सर, एक एक शक्ति फिल्म का है, मांगी थी दुआ, एक दुआ जो कबूल हो गई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, ये गीत। जी जी, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। जी, आपका नाम अरुण पांडे जी है ना? जी जी, मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ। प्रणाम। महेंद्र कपूर की आवाज में गीत आप तक पहुँच रहा है, शुक्रिया, नमस्कार। प्रणाम सर। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। अब के बहार में दिल मेरा खिल गया, ओ अब के बहार में दिल मेरा खिल गया, जिसकी थी आरज़ू वो मुझको मिल गया, जन्नत मेरे लिए अब फजूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश।
नमस्ते। आवाज धीमी है, थोड़ा प्रयास करें कि आवाज अच्छी आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर श्रोता की आवाज बिल्कुल दुरुस्त रहे। जी आप बोलिए, देखिए आवाज तेज जा रही है हमारी। जी जी, तो क्या हुआ, लगता है अंदर थे क्या? जी जी, हम अपने काम में थे तो ट्राई मार रहे थे। चलो आप, अच्छा यानी अगर तो कमरे के अंदर रहेंगे तो आवाज धीमी आ रही है, इसका मतलब ये हुआ। जी जी, और आपका फोन लाइन कब से बोल रहा है कि मतलब ये नंबर मौजूद नहीं है या काम नहीं कर रहा है? नहीं, हमें लग रहा है कि जब लोग फोन लग जाता है और जब रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है तब ये बताने लगता है कि काम कर रहा है। अच्छा, ये नहीं, ये कह रहा था कि ये नंबर मौजूद नहीं है। अब आजकल क्या कहें, टेलीफोन पर तरह तरह के ऐसे ही जवाब हम सबको भी मिलते हैं। जी हाँ, हम बढ़िया से हैं। अब तो मौसम बदल चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। प्रोग्राम सुने आपने, कैसे लगे कार्यक्रम आपको? जी बहुत अच्छे लगे, और आपने प्रोग्राम पेश किया और बहुत अच्छा लगा। हम लोगों का लेटर भी शामिल किया, ईमेल भी शामिल किया। जी जी, हम लोगों से याद आया कि आपने अपना नाम बताया है कि नहीं इस कार्यक्रम में? अभी हमने बताया नहीं, हम सोच रहे थे कि आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे। जी जी, तो अब चलिए बता दीजिए। हमारा रजा नगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी बोल रहे हैं। नफीस जी कैसे हैं, और आपके मित्र दोस्त सभी कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं? जी हाँ, वो बहुत खुश भी हैं इस वक्त, क्योंकि हम लोग कार्यक्रम आज के फनकार नहीं सुन पा रहे थे बहुत दिन से, उसके लिए हमें बहुत रात तक जागना पड़ता था। जी जी, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने थोड़ा सा परिवर्तन किया, जिसके कारण से आज के फनकार और गीत गाता चल। ये तो है कि अब विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो बिना किसी रुकावट के और दखल के श्रोता सुन पा रहे हैं। अब बहुत बढ़िया बज रहा है, यानी बहुत क्लियर आ रहा है। जी जी, अब बहुत साफ सुनाई दे रहा है, तो ये की तरह बज रहा है। हाँ, हमें इस बात से थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे श्रोता सिर्फ ये बातें कर रहे थे कि प्रोग्राम बंद हो गए और रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, फोन इन कम हो गया। लेकिन हर स्थिति में अपने लिए कुछ अच्छी बातें ढूंढ लेनी चाहिए, यही सीख मिलती है। जी 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 हाँ, और सबसे बड़ी बात सर, जो चला गया उसके बारे में अफसोस करके कोई फायदा नहीं है। हाँ, जिसपे हम आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर कुछ हो रहा है और उसपे हमारा आपका कोई वश नहीं है, तो उसको लेकर के रोने से तो कुछ संभलने वाला है नहीं। और उसके लिए बेहतर करे कि और उससे अच्छा सोचे। जी जी, हमें इससे अच्छा भी कुछ मिल सकता है। और बहुत बार ऐसी चीजें कही गई है ना कि कुछ अगर बुरा होता है तो सोचिए कि ये भी ऊपर वाला उससे अच्छे के लिए करता है। जी हाँ जी हाँ, क्योंकि वो जब करता है तो सब अच्छे के लिए करता है। क्या कहने, तो वो कभी भी किसी का, वो अपने बंदों का कभी भी बुरा नहीं चाहता, क्योंकि उसी ने सबको पैदा किया है, तो वो किसी का बुरा नहीं चाहता। क्या हमें अपने आप पर भरोसा रखनी चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो जब भी करेगा तो बिल्कुल ही ठीक करेगा। बहुत बढ़िया, कोई राय की बात नहीं है, हम लोग उसमें कोई शक और राय नहीं करते। आज श्रोता समझ गए होंगे कि नफीस जी कितने समझदार हैं और अच्छी बातें करते हैं। जी सबसे बड़ी बात है सर, क्योंकि कोई भी बाप मताई हो गया अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। जी जी, तो और हर कुछ जब नया होता है तो थोड़ा सा लगता है कि अटपटा हो गया, तो लेकिन समय के साथ साथ वो चीजें आपको अच्छी लगने लगती हैं। और सर कुछ ऐसी भी बात है कि मतलब बहुत सी चीजों से बहुत तबीयत बोर हो जाता है, यानी आदमी चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, कि सबसे बड़ी बात हमारे कहने से कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि सभी का प्रयास उसमें चाहिए। अगर तो जैसे ये भी मान लीजिए कि बहुत बार तीन रोज चार रोज अगर रिकॉर्डिंग हो रही थी और वही श्रोता रोज बातें भी कर रहे थे, तो अब कम से कम हफ्ते में एक बार होगा और आदमी एक बार एक आदमी से बात करेगा, और फिर उसके बाद वो थोड़ा सा विराम भी लेगा अपने से, क्योंकि जगह कम मिलने की वजह से काफी सारे लोग एक ही जगह पे ट्राई मारेंगे तो कम लगेगा, और जी कम जी लगेगा तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। जी हम में चाहे कोई भी है, बिल्कुल सबके लिए ये बात, सबके लिए ये बात है। हाँ हाँ, तो हम भी लगाएंगे तो लगेगा नहीं, तो सबसे अच्छा बात यही कि थोड़ा सा गैप भी मिलेगा। बिल्कुल, आदत से तो सब लोग मजबूर अपने हैं, लेकिन लगेगा ही नहीं जब इतने सारे लोग एक ही जगह पे ट्राई मारेंगे, तो ऐसे थोड़ा सा कम लोग रहते थे। कौन सा गीत नफीस जी अब सुनवा दे इतनी अच्छी और समझदारी वाली बातों के बाद? आज इतना अच्छा, जब इतना बढ़िया मौसम में इतनी अच्छी बात सुना दीजिए। तोए सवरिया ना ही खबरिया, तोए तेरे कारण अपने देश में बलम हम हो गए परदेसी। क्या कहने, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम मिलन 1967 में आई थी ये फिल्म। जी जी, तो अब हम आपको गीत सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर, बहुत शुक्रिया। और आपको भी हम दिल से शुक्रिया कहना चाह रहे हैं कि आप टाइम से आ जाते हैं, इसमें हम लोगों का मेहनत है। जी देखिए, आकाशवाणी में तो ये बात कही जाती है, मैं भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ समय का मतलब होता है कि 10:02, मतलब हम 10:02 पे आते हैं। तो समय का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए, और जीवन में अनुशासन जो कहा जाता है ना कि उसका बड़ा अहमियत होती है, तो आप वक्त के पाबंद रहेंगे तो बहुत फायदे होंगे। जी
जी जी, और सभी श्रोताओं से कहेंगे कि ज्यादा गम ना करें, खुश रहने की कोशिश करें। जी जी, क्योंकि खुशी खुश रहने से मिलेगी, क्यों कोई देता नहीं वो, बिल्कुल अपने आप से खुशी चुरानी पड़ती है, कहीं से भी चुराए उसे खुश रखें अपने आप। और आज नहीं कल आपको परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाना ही पड़ता है। जी हाँ जी हाँ, जब ये सोच लेंगे तो कभी आपको ज्यादा ही गम नहीं होगा, गम तो सबको होता है लेकिन ज्यादा गम नहीं होगा इस बात से। बिल्कुल नफीस जी, आज आपसे बहुत अच्छी बातें हुई और खासतौर से हमें लग रहा है श्रोताओं को बहुत तसल्ली तस्कीन मिलेगी आपकी इन बातों से। और सर बहुत बहुत तबीयत, मतलब हम बताएं बहुत घबरा भी गया था, क्योंकि बार बार एक ही श्रोता हर जगह लेटर में, व्हाट्सएप में, ईमेल में, हर जगह हम, मैं क्या कोई हुआ, हम काफी ज्यादा ही बोर हो चुके थे। जी जी, उसके कारण से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कि आप लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को भी विराम दिया और हम लोगों को भी विराम करने का मौका दिया। तो आइए अब बातों को विराम दें नफीस जी, और मिलन फिल्म का ये गीत सुने लता मंगेशकर की आवाज में। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, नमस्ते। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्कार, थोड़ा तेज बोलें ताकि आपको अपनी आवाज ठीक सुनाई दे, और कई बार ऐसा लगता होगा श्रोताओं को कि हम आप लोगों की आवाज कम करते हैं, आप लोगों की आवाज कम ही आती है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि थोड़ा सा ध्यान दें कि आपकी आवाज मेरे से भी बुलंद आनी चाहिए। काशी नगरी बनारस बजडिया से मोती मंसारी बोल रहा हूं। तो बनारस और बजडिया और काशी नगरी, तो आज पूरी दुनिया इस पर गर्व कर रही है और पूरे चर्चा का केंद्र में बनारस है। बनारस तो बहुत मशहूर जगह है और यहाँ पे हर चीज देखने के लिए मिलता है, मौसम देखने के लिए मिलता है और हर जगह घूमने फिरने के लिए भी। देखिए, हर धर्म हर मजहब से जुड़ी हुई बहुत ही मशहूर चीजें यहाँ पर हैं और दुनिया के कोने कोने से हर तरह के हर तबके के लोग यहाँ घूमने आते हैं। बिल्कुल, और इसमें बनारस के नाम में आप लोगों का ये जो बनारसी वस्त्र का जो हुनर है ना, सदियों से जो चला आ रहा है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में अरुण सर पूछा था कि हम लोग का साड़ी का डिजाइन कैसे बनता है, जी जी, कंप्यूटर पे वो डिजाइन आ रहा है। हम लोग के पावर लूम पे भी वो डिजाइन कंप्यूटर द्वारा चल रहा है। जी जी, और उसकी मांग बहुत तेजी से भी है। इसमें नई नई और बारीक डिजाइने और समय के हिसाब से बदलती भी रहती है, तो इससे अच्छा होगा क्योंकि मार्केट में जो डिमांड होगा वही आपको काम करना पड़ेगा। इस समय देखिए सैपून का साड़ी, अरुण सर आपने सुना होगा। जी जी,
वो इस समय बहुत ही मांग है उसकी, और वो भी डिजाइन कंप्यूटर से बनाया जा रहा है। जी जी। और वो भी बहुत ही पैसा लगा के उस मशीन को खड़ी किया जा रहा है। अच्छा, बनारसी साड़ियों में भी जैसे कि 1,200-2,000 से लेकर के 2,00,000-4,00,000 तक की साड़ियाँ बनती हैं, तो इसमें किस चीज से दाम घटता बढ़ता है, क्या फर्क होता है इसमें? इसमें देखिए कि जो पेवर साड़ी होती है अरुण सर, जी जी, जो पेवर जरी आती है चांदी की, उसको बहुत लोग तो टुकड़ा टुकड़ा करके उसको थोड़ी थोड़ी बचा बचा के भी रखते हैं, तो उसको बाजार में बेचा जा रहा है, मतलब उसी साड़ी को बनाया जाता है उसी पेवर जरी से। अच्छा अच्छा। तो बहुत ही महंगी जरी मिलती है, तो उसके वजह से वो साड़ी 2,00,000-3,00,000 तक पहुंच जाती है, और उसको बिनने में करीब 2-1.5 महीने लग जाता है, और वो साड़ी मशीन पे नहीं बन पाता। अच्छा, ऐसी साड़ियां जब एक बार अगर बन जाए तो उसके रख रखाव के लिए जैसे कितने साल तक कैसे रखना चाहिए, इस बारे में भी कभी आप लोग ध्यान देते हैं? इसको रखने के लिए सर उसपे फ्रेसिंग वगैरह और जितने उसपे सब होते हैं ना, यहाँ पे बिनकारी में तो बिन के आदमी दे देता है उसको। जी जी। फ्रेसिंग होता है, बहुत सारा काम उसपे होता है, और उसमें पैकिंग हो जाता है, तो पैकिंग करने के बाद अरुण सर उसको रखा जाता है, ये नहीं कि मार्केट में जाने के बाद तुरंत बिक जाता है, तो तुरंत वो बिकता नहीं, तो उसको रखा जाता है, जैसे जैसे ग्राहक आते हैं वैसे वैसे उसको बेचा जाता है, वो साड़ी खराब नहीं होती। उसको उसके अंदर थोड़ी सी जो रहती है ना खूबी, वो खूबी नहीं रह पाती। जी जी। जो खूबी रहती है तो जब तक बनाते हैं हम लोग तभी तक खूबी रहती है, चमक वगैरह जो शुरुआती चमक होती है ओरिजिनल जो, हाँ, वो देखते दिखाते और इस्तेमाल करते थोड़ा थोड़ा हर चीज में भाई थोड़ी सी कमी तो आती है वक्त के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो प्रोग्राम सुने, आपको प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं तमाम, अगर हम लोग बनारसी साड़ियों से अपने रेडियो की ओर उतरे तो? हाँ, प्रोग्राम तो मैंने सुना और यूट्यूब पे भी आपका प्रोग्राम आ गया। जी मैंने सुना, और आरोग्यम प्रोग्राम भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और मिर्गी से जुड़ी हुई जानकारी मैंने पाया। जी जी। डॉक्टर साहब से। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर विजयनाथ मिश्र जो हैं, उन्होंने मिर्गी को लेकर के खासतौर से फिल्में भी बनाई और जनता में जागरूकता के लिए वो प्रयास रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें गांव-गांव में तरह तरह की भ्रांतियां आज भी फैली हुई हैं। तो उनका ये कहना है कि लोगों में जागरूकता हो और लोग समझें कि ये बीमारी भी इलाज से और बेहतर इलाज से अच्छी तरह से ठीक होकर के आदमी सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। फिल्म मैंने देखा, एक नया दिन ऐसे फिल्म का नाम। जी 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 बिल्कुल। तो फिल्म मैंने पूरा देखा, एक छोटी सी बच्ची थी। जी जी। उसको मिर्गी का बीमारी हुआ तो उसको कैसे कैसे ठीक किया गया वो सब पूरी फिल्म में दिखाया गया। बिल्कुल। मैंने देखा पूरी फिल्म, डॉक्टर साहब ने बताया तो मैंने पूरा फिल्म देखा। उससे जानकारी थोड़ी सी मिल गई हमको। जी जी। तो इसी तरह से समाज में जागरूकता फैलती है और रेडियो का यही धर्म कर्तव्य है, और ऐसे जब आप जैसे श्रोता इस तरह की चीजों पे अमल करते हैं और उसके बारे में दरियाफ्त करते हैं तो बहुत ही तसल्ली होती है कि काम हमारा, परिश्रम हमारा हो, पांडुरंग जी का हो, डॉक्टर साहब का हो, या पूरा हमारी टीम है आकाशवाणी की, सभी को परिश्रम का पुरस्कार यही मिलता है। मैं तो अपने तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों को कि आप लोग इतनी मेहनत से प्रोग्राम तैयार करते हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, और कितने लोग को जानकारी मिल जाती है, कितने लोग सेहतमंद हो जाते हैं आपके प्रोग्राम के जरिए। तो अब कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें इस कार्यक्रम में? सनम बेवफा फिल्म का एक गीत है। जी। तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा सनम बेवफा, ये गीत है। तो अभी टूटा फूटा नहीं ना दिल आपका? टूटा तो नहीं, बस गीत वगैरह अच्छा लगता है। जी जी, ये आपने अच्छा किया, तोड़ फोड़ से बचना चाहिए, ऐसे ही जाड़े का समय है, बड़ी तकलीफ होती है, चोट लगती है इस वक्त तो। हाँ, इस समय जाड़े की तो जड़ी सी भी लग जाती है तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, और सुबह काम में आने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बिल्कुल। तब सोचिए कि दिल ही अगर टूट जाए तो, वो जो पुराना गाना था जब दिल ही टूट गया। हाँ। तो इसलिए आइए इस गाने को गाने की तरह ही सुने, और सबका दिल जो है वो महफूज रहे और तंदुरुस्त रहे, अच्छी तरह से रहे, और हमारा आरोग्यम कार्यक्रम भी तमाम श्रोता सुनते रहें, लाभ उठाते रहें। शुक्रिया आपका फोन करने के लिए। नमस्कार। मन मेरी जान, मैं नहीं बेवफा।
नहीं बेवफा, मैं नहीं बेवफा, मैं नहीं जी कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। मेरा नाम हितेश राजभर ग्राम करमुआ से बोल रहे हैं सर। जी जी, और ये किस जिले में आपका गांव है? वाराणसी जिला है सर। और क्या करते हैं आप? सर दुकान चलाते हैं। कार्यक्रम कौन कौन से खास तौर से अच्छे लगते हैं आपको हमारे केंद्र के? फोन इन फरमाइश और विविध भारती के जितने कार्यक्रम आते हैं मैं सब सुनता हूँ सर, लेकिन फोन लगाता हूँ लगता ही नहीं है। अब तो जैसे रिकॉर्डिंग सिर्फ एक दिन हो रही है बुधवार को, और इसमें ये दिक्कत है कि देश भर के श्रोता इसमें प्रयास करते हैं और कुछ ही, जैसे कि हम लोग एक दिन 12-14 श्रोताओं के ही कॉल ले पाते हैं। तो सभी से ये कहेंगे आपको भी और तमाम सुनने वालों को कि निरंतर प्रयास करते रहें और सभी का फोन लग जाए, हम तो यही दुआ करते हैं। नहीं सर, मैंने 2-3 महीने से मैं ट्राई कर रहा था सर, लेकिन लग ही नहीं रहा। लेकिन सोचिए आज तो लग गया ना। हाँ सर, तो इसलिए। और ये जो फोन कंसोल है यानी जो फोन की मशीन है उसमें, मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ। अच्छा सर। तो आपको किस किस की आवाज अच्छी लगती है ज्यादा कम? अरे सर आप ही के मैं पांडुरंग पुराने बहुत सुनता हूँ सर, आपके भी सुनता हूँ सर। पांडुरंग जी हमारे बहुत ही तजुर्बेकार अनुभवी उद्घोषक हैं हमारे केंद्र के, और बहुत अच्छे काम करते हैं। आरोग्यम कार्यक्रम हो या कमेंट्री हो, प्रोग्राम में ना सर। जी जी, बहुत सारे कार्यक्रम उनके आते हैं और देश दुनिया में बड़ा नाम है पांडुरंग जी का। हाँ सर, उनका नाम है इसलिए मैं उनका सुनता हूँ, तो आप भी क्या आता है सर? जी जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत हमारे भी कार्यक्रम सुन लिया करें और पसंद आए तो बता दिया करें। ठीक है सर। कौन सा गीत आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में? सर तुम याद न आया करो इस फिल्म मुझे सुना दीजिए सर। मेरे पिता का नाम सितारिंद राजभर है सर। फिल्म का नाम है जीने नहीं दूंगा। हाँ सर, जीने नहीं दूंगा, सही बात सर। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सर, मैं इसीलिए बोला कि सुन लूं। जी जी, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। गीत आपको सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तुम याद ना आया करो।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश जी सर नमस्कार नमस्ते जी मैं पीएम सिटी बनारस से बदरुद्दीन अहमद बोल रहा हूँ सर। बदरुद्दीन जी आप कैसे हैं और क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया सर, आपके प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा लगा सर, हेलो खासतौर से हेलो फोन इन फरमाइश। तो अच्छा लगा था सर, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ अब हुआ ये कि पांडुरंग जी ने जब ये सोचा कि तमाम श्रोता मेरे एक दो हफ्ते नहीं रहने से मेरे बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं तो उन्होंने लगातार मेरी ड्यूटी एक दो फोन इन में लगा दी और अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपसे वो भी मुखातिब हों और थोड़ी मुझे भी मोहलत मिले। और सबसे अच्छी बात यह है सर इस बार जो मैंने एक हफ्ते में सुना नहीं ये प्रोग्राम जी जी तो मेरा मोबाइल में समझ नहीं थी बंद हुआ ही नहीं। लगातार अच्छा। चलता ही रहा जी जी तो ये तो अच्छी बात हुई ना। और ये है कि धीरे धीरे कुछ जो जैसे कुछ प्रोग्राम बंद हुए या रिकॉर्डिंग कम हुई लेकिन अब श्रोताओं को इसमें भी लुत्फ आने लगा है। देखिए कोई चीज जब कम रहती है ना तो वो उसका आनंद अलग ही होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत उसकी चाहत बढ़ जाती है सर ना। और ये भी होगा कि जैसे अभी एक श्रोता ने कहा कि विविध भारती के कार्यक्रम हमें बिना किसी व्यवधान के पूरे लगातार सुनने को मिल जाएंगे, बहुत से कुछ एक कार्यक्रम जो कट जाया करते थे। जी 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 और ये मैं आने वाले वक्त में उम्मीद भी कर रहा हूँ सर इसमें कुछ फरमाइशी बढ़ेंगे। जी जी ये तो होना चाहिए कि वहाँ से कुछ कार्यक्रम बढ़े जैसे कि फोन इन वहाँ से नहीं हो रहा है, SMS या WhatsApp के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। जो हम आप तो मान लीजिए बनारस के हैं और हमारे यहाँ ऑप्शन खुले हैं कि प्राइमरी चैनल है लेकिन जो देश भर के श्रोता जो विविध भारती से जुड़े हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि उनके फोन कॉल भी वहां से प्रसारित हों पहले की तरह और SMS और WhatsApp वाले कार्यक्रम भी शुरू हों, खतों वाले भी खासतौर से प्रोग्राम आए। तो आज कौन सा गीत आप सुनेंगे? उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा सर जी, मैंने पूनम जी का कॉल सुना था, उन्हें RJ बनने की बहुत तमन्ना है। जी जी तो वो जैसे कि बस्ती हो गया खलीलाबाद हो गया वहाँ पे RJ की जरूरत है और उनको अच्छी खासी नौकरी वहाँ मिल सकती है। जी जी बिल्कुल, वो अगर मेरी आवाज सुने तो वहाँ पे अगर प्रयास करेंगे तो उनको मिल जाएगा। तो आप उनको कहना आखिर क्या चाहते हैं? मतलब उनके प्रयास इतना दिनों से है RJ बनना, मतलब दुआ कर रहे हैं दिल से। बिल्कुल बिल्कुल दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ। हाँ 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 तो चलिए आपकी दुआ लग जाए और बात पूरी हो जाए। और कौन सा गीत आप सुनेंगे? एक फिल्म आई थी सहनाई, तरमा के न जा तड़पा के न जा नागिन की तरह बल खा के न जा जान मन जाना ने मन। ठीक है ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, बहुत शुक्रिया नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शर्मा के न जा शर्मा के न जा तड़पा के न जा नागिन की तरह बल खा के न जा जान मन जाना ने मन जान मन जाना ने मन। शर्मा के न जा तड़पा के न जा नागिन की तरह बल खा के न जा जान मन जाना ने मन ओ जान मन जाना ने मन। करता हूँ जरा आंखों में आंखें डाल के तुझ पर मरता हूँ पर कहते हुए ये डरता हूँ जान मन जाना ने मन जान मन जाना ने मन। शर्मा के न जा तड़पा के न जा नागिन की तरह बल खा के न जा जान मन जाना ने मन जाने मन जानाने मन। तो भूल के एक दिन ऐसा भी तो आएगा जब इश्क के आगे हुस्न का सर झुक जाएगा फिर खुल के मेरा दिल गाएगा जान मन जानाने मन जान मन जाना
जाना ने मन शर्मा के न जा तड़पा के न जा नागिन गुजरा बलखा के न जा जान मन जाना ने मन जान मन जाना ने मन। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश। जी हाँ नमस्ते, हम मल्ला पटवा से बोल रहे हैं, डीमा मल्ले पे से। नाम क्या है आपका? गुड़िया। गुड़िया नाम है ना? हाँ। और कौन कौन से कार्यक्रम गुड़िया आपको अच्छे लगते हैं? सब कार्यक्रम। सब कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। और फोन तो आपका सिर्फ फोन इन कार्यक्रम में आता है, और क्योंकि ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम है और तमाम श्रोताओं को बहुत पसंद है। और कामकाज क्या चल रहा है, घर के कामकाज करती हैं या फिर साड़ियों की बुनाई में भी लगी हुई हैं? लीजिए हमारे पति से बात कर लीजिए। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुलजार है, मोहल्ला कोटवा डीमा से बोल रहा हूँ, बगीचा में से। बिल्कुल, तो बगीचे में अभी क्या स्थिति है गुलजार जी? आपके तो फोन आते रहते हैं हमारे पास। ये बगीचा किस चीज का है, मतलब कुछ फल फूल अमरूद आम इस तरह की चीजें होती हैं क्या? आम का बगीचा है। आम का है, तो ये जो वृक्ष हैं आम के यानी दरख्त हैं, वो फलते हैं क्या सीजन में? क्योंकि बहुत बार मतलब अगर पुराने हो जाते हैं पेड़ तो नहीं फलते। मतलब कि पहले आम का पेड़ बहुत ज्यादा था, अब मतलब आम का पेड़ कम हो गया है। तो शहरों में ये हुआ ना कि हर जगह लोगों ने मकानात बना रखे हैं और उसके बाद पेड़ पौधों के लिए जगह नहीं बची, अब पौधे बालकनियों में गमलों में दिखाई देने लगे हैं। और महुआ का पेड़ भी है हमारे बगीचा में। तो अभी बहुत खुशकिस्मत है आपकी, ये पेड़ पौधे आपके इलाके में महफूज हैं और आबाद हैं। और प्रोग्राम कैसे लगते हैं आपको, अच्छे लगते हैं कार्यक्रम? प्रोग्राम तो बहुत अच्छे लगते हैं सर, मगर ये मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी। कि जो विविध भारती स्टेशन पे जो हल्लो फरमाइश आता था जी, तो अब क्या वो बंद हो गया है? विविध भारती पे जो स्थानीय कार्यक्रमों का जो समय था वो कम हो गया है, यानी नहीं के बराबर है, इसलिए वो कार्यक्रम अभी नहीं आ रहे हैं। और प्राइमरी चैनल पे तो तमाम कार्यक्रम आ रहे हैं, विविध भारती पर सिर्फ मुंबई के कार्यक्रम है अथवा प्रायोजित कार्यक्रम है। अच्छा जी जी। और आगे तो कोई अगर तब्दीली होगी मतलब तो उससे भी आपको मालूमात हासिल हो जाएगी। खाली मतलब मीडियम पे हल्लो फरमाइश देगा? फिलहाल तो यही व्यवस्था है। तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आप सुनेंगे? सर मैं गाना सुनना चाहता हूँ, मतलब फिल्म का नाम तो हमको नहीं मालूम है। जी गाना कौन सा है? एक गाना फरमाइश हम बता रहे हैं आपको। फिल्म का नाम है रॉकेट। लॉकेट। लॉकेट हाँ। और उसमें गाना है शोले शोले मेरी जवानी। तो गाना हमको सुनना है, मगर सर ये गाना हमको पूरा सुनाना। बिल्कुल, ये गीत हम आपको पूरा ही सुनवाएंगे और ये गीत हम आपको अब बिल्कुल सुनवा ही रहे हैं आपकी पसंद पर। और इसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गौहर कानपुरी के बोल बपिलहरी कसम। नमस्कार, सुनते हैं गीत। शुक्रिया। हम
तो भोले भाले थे दिल वाले मत वाले थे, तूने काली जुल्फों में काले बिच्छू पाले थे। रब्बा मैं की करा, दिल से तुम भी काले थे हमको डसने वाले थे, मेरा दिल फसाने को क्या क्या गाने डाले थे। रब्बा मैं, रब्बा मैं की करा, बातों से कसती है आंखों से डसती है ऊपर से हंसती है। शोले 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 मेरी जवानी, बोले 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 यही कहानी, जाने नहीं आता मैं मर जावा। टोले 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 काहे दीवानी, से भरती है अब जाना ये अफसाना, लड़की मुझ पे मरती है। रब्बा मैं, रब्बा मैं की करा, अग्नि बन के जलती हूँ पहले क्यों ना पहचाना, तू है माटी का माधव बुद्धू पागल दीवाना। रब्बा मैं, लाओ जी बाहों में आओ जी अग्नि बुझाओ जी। शोले 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 मेरी जवानी, बोले 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 यही कहानी, जाने नहीं आता मैं मर जावा। टोले 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 काहे दीवानी, शोले 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 मेरी जवानी, बोले 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 यही कहानी, जाने नहीं आता मैं मर जावा। टोले 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 काहे दीवानी, खोले 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 बातें पुरानी, ताने नहीं मार बार बार उठा के ले जावा। शोले 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 मेरी डोले 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 काहे दीवानी, कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश। सर नमस्ते। नमस्ते, थोड़ा तेज बोलें क्योंकि श्रोताओं से मुझे बहुत मोहब्बत है और मैं चाहता हूं कि हमारी आवाज से किसी भी तरह से श्रोता की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। जी सर, नमस्ते सर। बताएं, चोचकपुर मौनी बाबा धाम जिला गाजीपुर से, हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। जी सर, राम सकल चौधरी बोल रहा हूँ सर। जी खैरियत से हैं? जी जी अच्छा है सर। और प्रोग्राम सुन रहे हैं, मीडियम वेव के भी तो कार्यक्रम आप सुनते होंगे ना? दोनों पर सुनते हैं। जी जी, भारतीय और प्राइमरी चैनल दोनों चैनल। जी जी, तो प्राइमरी के लिए आपके पास रेडियो सेट है या फिर मोबाइल ऐप है? मोबाइल ऐप तो हमारे पास है लेकिन हम रेडियो पर ज्यादा सुनते हैं कार्यक्रम आपका। बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि मोबाइल पर बहुत सारे श्रोताओं ने कहा तो वो थोड़ा इंटरनेट बेस्ड है और कभी कभी हम भी प्रोग्राम सुनते हैं तो बीच बीच में थोड़ा सा इंटरनेट पर आधारित होने के कारण कभी कभी रुकावट आती है इसमें। जी सर, रेडियो पर साफ मिलता है सर। जी, और लगातार मिलेगा। तो जिन भी श्रोताओं के पास अगर मीडिया वेव का ट्रांजिस्टर नहीं है तो वो जरूर कहीं से इसे रखें, और क्योंकि बहुत ही उपयोगी प्रसारण हमारा होता है, इसमें ज्ञान विज्ञान समाचार हर तरह की चीजें उनको सुनने को मिल जाती हैं। और कौन सा गाना आज सुनवा दें इस कार्यक्रम में आपको? सर दिल तेरा आशिक फिल्म है सर, इसका टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए सर।
तो ये गीत हम आपको सुनवाए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें जी। और गीत सुनते हैं, नदीम श्रवण का संगीत है, समीर के बोल। नमस्कार, शुक्रिया राम सकल जी। कसम से मैं अपना बनाऊंगा, तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, तू है सनम मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में आऊंगी, नींदें उड़ाऊंगी, तुझको कसम से मैं अपना बनाऊंगी, मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, मैंने छुपाया कई बार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। मेरा प्यार, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, मैंने छुपा।
कार्यक्रम. हेलो, फोन इन फरमाइश. हेलो, फोन इन फरमाइश. क्या कहने, क्या खूब आवाज अंदाज है आपका. सर नमस्ते. नमस्कार. कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे से हैं. और आप और आपका कार्यक्रम कैसा चल रहा है? सर हम और हमारा कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन चल रहा है. जी जी. और हम जान सकें तो अच्छा लगेगा कि हमारी बातचीत किससे हो रही है. जी सर बिल्कुल सर, हम बताएंगे. सर हम ग्राम व पोस्ट काछा भिटौरा ब्लॉक मुतिगरपुर जिला सुल्तानपुर से बात कर रहा हूँ. मेरा नाम दिलीप निषाद है. जी जी दिलीप निषाद जी, तो क्या काम काज है आपका, या फिर उसमें रेडियो में जॉकी बनने का भी शौक शामिल है आपके इस कहते हैं कि सपनों में? जी जी, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हाँ कि शामिल होना चाहते हैं और शामिल होंगे. जी. और तो आपका निकटवर्ती केंद्र कौन सा है आकाशवाणी या विविध भारती का? सर हमारे यहाँ पास में स्टेशन जैसा हमारा सुल्तानपुर का करीबी जिला फैजाबाद है सर. और आपका उसके बाद तो सर यही हमारे यहाँ लोकल में तो सर नहीं है. जी जी. फैजाबाद है, उसके बाद आपका ये बनारस हो रहा है, प्रयागराज हो रहा है, लखनऊ हो रहा है, ऐसे ऐसे करके हैं सर. और आपको मतलब आकाशवाणी के तमाम केंद्रों के जो कार्यक्रम हैं वो आप सुन पाते हैं अपने इलाके में रहते हुए भी आसानी से? जी सर, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया के तहत हर जगह एप्लीकेशन और सर मोबाइल ऐप पर. हाँ ये अच्छा हुआ कि वो हम चाहे उड़ीसा हो, केरल हो, तमिलनाडु हो या अंडमान निकोबार का भी जो पोर्ट ब्लेयर स्टेशन है उसका भी कार्यक्रम हम ऐप पर सुन सकते हैं किसी भी वक्त. इतना अच्छा लगता है सर कि हम कहीं का भी चैनल कहीं भी रहें. और सर पहले क्या था कि जब कभी कभी सरसराहट की आवाज या कम मजा नहीं आता था, तो लेकिन अब क्या है कि एकदम फ्रेश कहीं भी रहो, मतलब कहीं भी रहो, कुछ भी काम करते रहो, अपना खेती बाड़ी का काम करते रहो या पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपना चला दीजिए और सब कुछ होता रहेगा. बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही. गीत तो सर ऐसे बजते हैं टाइम टाइम पे, बहुत बेहतरीन लगता है. और फरमाइशी भी आप लोगों का प्रोग्राम अच्छा लगता है सर. तो आज कौन सा गीत आपको सुनवा दें इस कार्यक्रम में? सर हमें गीत सुनवा दीजिएगा, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश. उसमें एक सॉन्ग है मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए. मैं यही कहने वाला था क्योंकि इस फिल्म के साथ इस गाने का नाम बिल्कुल जुड़ गया है, तो हम सोचे, लेकिन फिर हमने सोचा कि इसमें कुछ और गाने हैं, आप किस गाने की फरमाइश करेंगे देखते हैं. लेकिन आपको यही सुनना है जो बहुत मकबूल गीत है अपने दौर का. जी सर. तो लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, और हर कोई जानता है कि संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए. हम लोग के बचपन से ही इस गाने मशहूर होते हमने देखा है और सुनते आ रहे हैं आज तक इसे. आइए गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर. आपके किसी मित्र ने कहा कि आप रेडियो की तरह बोलते हैं. हाँ सर. हाँ सर. दोस्त यार आपको बोलते हैं, हौसला बढ़ाते हैं आपका. जी जी जी. तो आइए हम भी आपका हौसला बढ़ा रहे हैं और गीत सुन रहे हैं आपकी पसंद पर. शुक्रिया. नमस्कार. Yeah.
बरस तेरी जवानी पे, आज तू है मेरी, तू है मेरी, आज तू है मेरी मेहरबानी पे। तोड़ दिया जाए ये दिल, जोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुना किया जाए, कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश जी, बताएं। नमस्कार। नमस्कार, अरुण पांडे। बिल्कुल जी, नमस्कार। नमस्ते, हम लोग ने कर लिया। नाम बता दें और जगह का नाम जहां से आप हमसे मुखातिब हैं। जी, हम राजा बाजार ज्ञानपुर से बिच्छी राइन बोल रहे हैं। बिच्छी राइन, आपके तो पहले खत बहुत आते थे हमारे कार्यक्रमों में, आजकल नहीं आते हैं। यहाँ हमारे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड आजकल नहीं मिल रहा है ना, इसी वजह से हम नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन आप हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, मुझे याद है जब मैं 2005-4 में यहाँ पे आया था और शुरुआती दिनों में भी आपके बहुत सारे पत्र आते थे। इधर आपके खत आने कम हो गए हैं, लेकिन खतों की बात होगी, लेकिन अब तो मेल पर भी और इस तरह के फोन इन पे हमारे प्रोग्राम आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं। तो कोई भी, अगर आप खुद ना चलाते हो ये जो माध्यम है, तो किसी को भी कह देंगे तो वो आपका नाम आपके घर परिवार के लोग भेज देंगे। ठीक है, हम मोबाइल लेने की प्रयास कर रहे हैं, हम भेजेंगे, व्हाट्सएप भी भेजेंगे, ईमेल भी भेजेंगे। बिल्कुल, हमें अच्छा लगा ये जान के। आप तो बहुत पहले से रेडियो सुनते हैं, क्या कहेंगे इस प्रसारण से लाभ के बारे में? हम तो 1978 से हम सुन रहे हैं, जब आपकी फरमाइश शुरू हुआ था। जी जी, तो सुनते हैं। तो इस कार्यक्रम में आज हम आपको कौन सा गीत सुनवा दें? आज हमको सुनवा दे फिल्म बनफूल का गीत सुनवा दे। आहे न भर ठंडी ठंडी। हाँ, गरम गरम चाय पी ले, क्योंकि मौसम ठंड का है और चाय की तलब इस मौसम में बारहा हो जाती है, खास तौर से सुबह का पहला नाश्ता है। तो लता मंगेशकर की आवाज और टीम वही आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारडाल की गीत आपको सुनवा रहे हैं। रायन जी नमस्कार, शुक्रिया। ठंडी ठंडी
कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश जी। हेलो, इतनी धीमी आवाज आ रही है, अब बताएं नाम अपना। मैं रजा रंगम से सलीम आजाद बात कर रहा हूँ। सलीम आजाद, थोड़ा सा तेज बोला करें, इतने अच्छे नाम को आप थोड़ा बुलंदी से बोलेंगे तो श्रोताओं को और अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, इच्छा है कि अरुण सर जो तबियत बुखार उखार आ गया, ठंड का असर हो गया है। इस ठंड की शुरुआत होते ही गर्म कपड़े पहनने चाहिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि गर्म कपड़े पहनने पर पसीना आता है तो लोग कपड़े निकाल देते हैं, उसी से ये बुखार वाला कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल एहतियात बरतें और पहन ओढ़ कर रहें मौसम के हिसाब से, तो लिहाफ आदमी का यानी जो कपड़े हैं वो होने चाहिए। तो प्रोग्राम सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, प्रोग्राम तो हम लोग सुन ही रहे हैं। और अच्छे भी लग रहे होंगे। हाँ, अच्छे लग रहे हैं। कौन सा गीत सुनेंगे आप इस कार्यक्रम में आज? देखिए, आज तो अच्छा है कि आज तो 15 है, उषा मंगेशकर के आज जन्म दिन है, उन्हीं के गीत कोई सुनेंगे रफी साहब के साथ। तो आइए ये गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार सलीम। बड़ी बेवफा है जिसने की धोखा खाया, नींद गवाई चैन लुटाया, तौबा तौबा दिल न लगाना, झूठा है ये कदर तू जाने नहीं, नादान में खबर पहचाने नहीं। पहचानता हूँ मैं होती है बेवफा, तू ही जरा बता किसका हुआ भला। मोहब्बत बड़ी बेवफा है जिसने की धोखा खाया, नींद गवाई चैन लुटाया, तौबा तौबा दिल न लगाना, झूठा है। मतलब की दोस्ती मतलब का प्यार है, ये लाल की जहां पैसे का यार है। अनमोल प्यार की कीमत न तू लगा, मिटती नहीं कभी बेशक तू आजमा। सुन शौखे हंसी झूठे न जल सपने
क्या तू जान है मेरी ये भूल है तेरी बाहू की लोच दूं जरा मैं भी सोच लूं दिल को साफ कर तू मुझको माफ कर हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश जी सर प्रणाम प्रणाम राजा राम कालिका धाम से पूरी वाराणसी से बोल रहा हूँ कुछ ठंड का असर है क्या आप पर सर ठंड का असर तो अधिक है हमें भी लग रहा है मौसम नाम बता दें और मौसम बदलने पर सेहत का ख्याल रखना जरूरी होता है अभी कुछ दिन पहले इतना स्वेटर वगैरह कुछ पहनिए तो गर्मी लगने लगती थी उसी कारण कई लोगों की तबीयत खराब हो गई जी सर थोड़ा मौसम शीत गर्म का हो गया है सर्दी जुकाम हो गई है तो इस सावधानी से ये चीजें ठीक हो जाएंगी और मौसम बदलता है तो बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ हो जाती है जी सर मौसम करवट बदल रहा है तो सबको होगा एक बात तो सबको होना जी जी तो ऐसे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हम लोगों के कैसे लग रहे हैं आपको कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है सर ये सोमवार की रिकॉर्डिंग बंद हो गई मंगलवार की रिकॉर्डिंग बंद हो गई जी जी तो अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसे निर्णय होते हैं कि उसमें हम लोग सिर्फ अनुपालन कर सकते हैं जैसा हम लोग बार बार आजकल कई कार्यक्रमों में कह रहे हैं तो जो जितनी चीजें हैं उस समय कार्यक्रम तो प्रसारित हो रहे हैं नियमित रूप से लेकिन स्थानीय कार्यक्रम विविध भारती पर फिलहाल प्रसारित नहीं हो रहे हैं जी सर मुंबई से भी सब सारे कार्यक्रम प्रोग्राम बंद हो गए रिकॉर्डिंग के थोड़े अलग तरह के आ रहे हैं खतों वाले नहीं है फोन इन वाले नहीं है ये तो बात सही है जी सर तो अब बता दें कौन सा गीत उम्मीद करें श्रोताओं की बात वहां तक पहुंचे जहां पर इन चीजों पर अमल हो और उनके पसंद की चीज हो ये तो हम भी चाहते हैं सर ये रात फिर ना आएगी महेंद्र कपूर की आवाज में जो मेरा है। प्यार वो है जी सर मैं राजा राम कालिका धाम से वाराणसी से बोल रहा हूँ बिल्कुल मैं पूछने ही वाला था कि ऐसा न हो कि आपकी जो नाम है वो रह जाए हाँ मुझे मालूम था तो चलिए तबीयत खराब है वो जल्दी आपकी ठीक हो जाए और आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और रफी साहब की आवाज में एसएच बिहारी का लिखा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नमस्कार ओपन एयर का संगीत है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा मेरा प्यार वो है हमारी मिटाने के बहाने बनेंगे हकीकत हमेशा हकीकत रहेगी कभी भी न इसका फसाना बनेगा मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा मेरा प्यार वो है।
जाके छू ले मेरे दिल को ये भी गवारा नहीं है। खुदा भी अगर तुमसे आके मिले तो तुम्हारी कसम है मेरा दिल जलेगा। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा। मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जान तुम्हें मांग लेगा। मेरा प्यार वो है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश जी। नमस्कार सर जी। नमस्ते। रामचंद्र प्रजापति बोल रहे थे चकिया चंदौली बढ़िया खुर्द गांव से। चलिए आपके आसपास वो तमाम श्रोताओं के फोन है। आप तो सेहतमंद हैं, बढ़िया हैं, और खुदा करे कि आप और तमाम हमारे श्रोता सेहतमंद रहें, क्योंकि मौसम बदल रहा है और कई श्रोताओं की तबीयत नासाज हो जा रही है। नहीं सर, मौसम बहुत ही बढ़िया है, ठंडा सुहाना मौसम हो गया है। बिल्कुल, और ऐसे ही सुहाने मौसम का लुत्फ लेने के लिए जरूरी है कि लोग गर्म कपड़े इस्तेमाल करें, और थोड़ी बहुत अगर गर्मी भी लगे तो कपड़ों को त्यागे नहीं, निकाले नहीं, वरना वही सर्द गर्म लग जाता है। सर जी इसके लिए तो सर जी एक सूचना पूछना जा रहे थे। पूछिए पूछिए। रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग का समय है 10:30 से जी जी समय निश्चित कर दिया जाए कि 10:30 से 11:30 के बीच में फोन लगे। 10:30 से नहीं तो होता ही है ना कि 10:30 से जैसे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जैसे ही पूरे हो जाएंगे कॉल उसके बाद रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। ऐसे अगर आदमी 10:30 बजे रिकॉर्डिंग शुरू कर दे, जैसे अब आपके बाद मेरे ख्याल से बस एक ही कॉल की रिकॉर्डिंग होगी, तो इतने देर में प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाता है। 40 मिनट से ज्यादा हम लोग रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो उसका समय हम सोच रहे थे फिक्स किया तो बढ़िया होता ना सर जी। तो कसूर फिल्म का सुना दीजिए सर जी, जिंदगी बन गए हो तुम। हाँ, ये गीत है और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण के साथ, अलका याग्निक की आवाज है, समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत, आप तक पहुंच रहा है ये गीत। नमस्कार, शुक्रिया। धर्मेंद्र मित्र है, उनको भी गाना बहुत पसंद है जी। आइए सुनते हैं आपको भी और हम भी और आपके तमाम जो साथी हैं वो भी। नमस्ते। बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए इन निगाहों से दिल में।
पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए, जिस हसी ख्वाब की ही तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश में आपका स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और बहुत ही प्यार से स्वागत कर रहे हैं आपका, क्योंकि आप हमारे बड़े ही अनुभवी तजुर्बेकार और हम लोगों को रास्ता दिखाने वाले श्रोता हैं। अरे मतलब हारने वाले नहीं है ना। हारना किसी को नहीं चाहिए, जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अब बताइए, 14 हो गया, 11 वर्ष के 14 हो गया ना। जी जी 14 मिनट। जी जी। और नॉर्मल लोग अभी हमारा वही बोले थे, ये बैठी हुई है कि अब तो ये बिल्कुल आखिरी ही कॉल है आपका, और क्योंकि हम बिल्कुल 10:30 पे शुरू कर देते हैं, तो जब तक भी जी, जैसे 13-14 कॉल हम लोग ले पाते हैं तो उतना ले लेते हैं। जी, तो कैसे हैं आप? हमारे जो रवायती सवाल हैं वो तो पूछने पड़ते हैं असगर अली जी शिवपुर से। बिल्कुल सही बात है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या आप अच्छे से हैं? और जी जी हमारी हम तो जैसे आप लोगों से आपकी दुआएं हम लोग उसके मुंतजर रहते हैं। तो अरे बात गजब गजब का उर्दू मारते हैं। देखिए उर्दू ये मैं आप इसे उर्दू कहें अरबी फारसी कहें, मैं इसे हिंदुस्तानी जबान कहता हूँ, और ये जबान हमारी भी है, प्रेमचंद की रही है, और बहुत से लिखने पढ़ने वाले हैं या बोलने वाले हैं, गांव गिराव में भी लोग हैं, कबीर की भी यही जबान थी। तो आपको हम एक चीज बता दें कि बहुत मतलब सर्विस से आने के बाद जब घर आ गया मैं, जी जी, और जब से 16 साल से आकाशवाणी लग रहा है, पहला लगाता है, उसके बाद आपका दूसरा भी लगाता है, जी जी, आपने कहा था
शिवपुर फाटक से, तो बहुत कुछ उर्दू अल्फाज हमने आपसे सीखे हैं और बहुत कुछ हिंदी और संस्कृत अल्फाज हमने बड़े भाई से सीखा है। जी 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 जी, हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं और ये तो आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि हमने सीखा है। ये सारे अल्फाज तो सोचिए कि सदियों से चले आ रहे हैं और बस हम लोग उनका जितने दिन की हमारी उम्र होती है, हयात होती है, हम उसका बस सिर्फ उपयोग करते हैं और उसके बाद हर आदमी जैसे कि एक मकान है पड़ा हुआ है, पीढ़ियां आती हैं उसका इस्तेमाल करती हैं चली जाती हैं। जी, कुछ इस माहौल में हमारा मतलब 9 दिसंबर 1961 से और 30 जून 2005 तक जो माहौल था ना। जी जी, आप बिल्कुल सही बात है कि आप घर परिवार और जो समाज होता है उससे थोड़ा सा दूर आप सर्विस में चले गए तो थोड़ा ये जो उर्दू वाली जो बोल चाल है वो आपके से दूर हो गई। मैंने बिल्कुल खत्म हो गया, 90% इंग्लिश में चलता था। जी जी जी, 10% कोई गांव वाला मिल गया तो उसके साथ हिंदी, नहीं तो 90% क्योंकि वहाँ ज्यादातर मलयाली, मद्रासी, तेलुगु, जी जी यही लोग रहते, नॉर्थ इंडियन बहुत कम रहते हैं। देश की सेनाओं में और तमाम जो सरकारी सेवाएं हैं देश के कोने कोने से लोग रहते हैं उसमें, और सर्विसेज में तो ये है कि ट्रांसफर होता रहता है एक इलाके से दूसरे इलाके में, आपको देश भर में रहना पड़ता है अराउंड इधर कलकत्ता से लेके उधर क्या बोलते हैं गुजरात तक। तो बहुत ही अनुभव है, आपके बाल बच्चे आपकी जो किस्से कहानियां हैं नेवी की वो सुनते सुनाते हैं आप और वो रोचकता से सुनते हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है डॉक्टर मुराद अली जी, जो कि जौनपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। जी जी, प्रोफेसर तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया कब 2 दिन पहले इंग्लिश में, उसका ऑडियो बनाया है। क्या कहने, बहुत अच्छा। देखिए यही चीजें धरोहर हैं जो रह जाती हैं आदमी के बाद भी। जी, और जी, ताकि आने वाली नस्लें जान सके कि हमारे घर में, परिवार में और हमारे इसमें कोई ऐसा था कुनबे में इस तरह का शख्स। सर मेरा जितना ड्यूटी था मतलब बच्चों का शादी हो गया, घर बन गया। जी जी, और आप जो है अल्लाह के फजल करम से बड़े आराम से, मैं पेंशन लाइफ जो बची हुई जिंदगी है उसको बड़े आराम से परवरदिगार करम से मैं बिता रहा हूं। और इसमें हम लोग की खुशकिस्मती है कि हमारे प्रोग्राम से आप निरंतर, वो चाहे आरोग्यम कार्यक्रम हो या फोन इन हो, आप जुड़े रहते हैं और बातें करते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं हमें। ये जो है ना हमको आकाशवाणी से बहुत लाइफ मिला है। जी जी, बहुत लाइफ मिला, नहीं तो मैं एकदम बोरियत में रहता। जब से शुरू किया है, पहला कॉल बड़े भाई का लगा था और उस वक्त से मैं इसमें जुड़ा हुआ। जी जी, जिंदगी हो गई। तो असगर जी, बड़े भाई के साथ आपकी जो मोहब्बत है वो खुदा करे कि इसी तरह से बाद मुद्दत तक जारी रहे और कायम रहे। तो से आप माने ना माने, कुछ भी बोल जाता हूँ। अभी कल का भी जो हालो फोन उसका पूरा रिकॉर्डिंग मैं किया है। जी जी, एक रिकॉर्डिंग में चैटिंग जो है तो 8 मिनट 14 सेकंड तक हुआ है, सब जी कुछ नोट करते रहते। लेकिन ये मत समझिए कि मैं आपको कोई गलत नियत से या ऐसा देखता हूँ, आपको भी मैं यही प्यार करता हूँ। जितना आपका जो वीडियो में देखा है, जिसने आपने 6 पोस्ट दिया है, बड़ा अच्छा पोस्ट दिया है, किसी में मोच है तो किसी में केला, वो 6 पोस्ट मैंने आपका वीडियो से निकाल के देखा है चैनल से। अच्छा अच्छा जी हाँ, वो भी देख चुका हूँ मैं। बड़ा अच्छा लगा मेरे को कि कैसे कैसे मैं मैंने देखा है। तो उम्र के साथ और समय के साथ शक्ल सूरत भी असगर जी बदलती रहती है, और जहाँ तक वक्त की बात है तो जैसे बातें जब किसी श्रोता से होती हैं और लगता है कि ये बात इतनी दूर तक चलनी चाहिए, तो चाहे आप हो या एक्स वाई जेड कोई भी हो, आपसे भी कई बार हमारी 7-8 मिनट बातें होती हैं, दूसरों से भी होती हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि वो 40 सेकंड भी बात नहीं कर पाते, तो उनसे 40 सेकंड ही बात होती है। नहीं, वो तो एक तरीका होता है सर। अगर सामने वाला मान लीजिए बात ही ना कर पाए या कुछ बोल ही ना पाए, तो फिर तो हमें बिल्कुल नाम बताइए, गाना बताइए ही करना पड़ता है। बिल्कुल बोलना ही पड़ता है क्योंकि मटेरियल होना चाहिए ना। हाँ हाँ, और फिर हमें एक घंटे के प्रोग्राम में 20 मिनट तो चाहिए कि बातचीत हो, और फिर 40 मिनट गाने हो। अब तो गाना जरूरी है असगर जी, कौन सा गीत आज सुनेंगे या फिर हम सुनाएं आपको? बाबू दरोगा जी, हमको गए ये राग अलापने नहीं आता है सब। तो लेकिन जो लोग राग अलापे हैं वो सोचिए वो काबिले तारीफ हैं, क्योंकि जिसको आपने राग अलापने कहा यानी गाना गाने, मुझे भी नहीं आता और बिल्कुल नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता, तो वो तो हम क्यों अपने आपको ये क्या बोलते हैं
चन्ने की झाड़ पर चढ़े गिर के मर जाएंगे। तो ऐसा ऐसा तो उसका ऐसा है बाबू दरोगा जी कोने गुनावा सैया ढेला मोर। हाँ, उसका टोन इसी तरह था कि बाबू दरोगा जी कोने गुनावा सैया ढेला मोर। ये गाना आप कहीं से भी खोजिए, खोज के लाइए दुनिया के किसी कोने से, ये आपके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा बोझ लाद दिया है। चलिए, अब हमारी कोशिश होगी और ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो हम कामयाब भी होंगे। अल्लाह कामयाब हो, और आप अगर कोशिश करेंगे, इंसान कोशिश करता ना, बिन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आइए गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश वाला ही, और इंशाल्लाह वो आपकी फरमाइश पूरी हो। मुबारक हो मामा, बहुत खुदा हाफिज। बाबू दरोगा जी कौन कसूर पे धर ले कसूर पे धर ले सैया मोर। बाबू दरोगा जी ना कोई का नौकर ना कोई का चाकर, ना कोई का नौकर ना कोई का चाकर, ना सैया मोरा चोर ना सैया मोरा चोर। मथुरा का माता सड़किया पे सूता सैया को धर ले मोर। मथुरा का सड़किया पे सूता सैया को धर ले मोर। बाबू दरोगा जी हो बाबू दरोगा जी कौन कसूर पे धर ले सैया मोर। बाबू दरोगा जी बाली उमरिया बीतत जाए, बाली उमरिया बीतत जाए, ना ही परत मई का चैन नहीं परत मई का चैन। छतिया हूँ धक धक बिन बाके बलमा सैया को दे दो मोर। छतिया हूँ धक धक बिन बाके बलमा सैया को दे दो मोर। बाबू दरोगा जी हो बाबू दरोगा जी कौन कसूर पे धर ले सैया मोर। बाबू दरोगा जी रुपया दरोगा को दई हूँ, पाँच रुपया दरोगा को दई हूँ, दस दई हूँ कोतवाल, दस दई हूँ कोतवाल। बाला जो बनवा फिरंगिया को दई हूँ, बाला जो बनवा फिरंगिया को दई हूँ, सैया को लई हूँ चुड़ाल। बाला जो बनवा फिरंगिया को दई हूँ, सैया को लई हूँ चुड़ाल। दरोगा जी होए बाबू दरोगा जी कौन कसूर पे धर ले सैया। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से। फोन नंबर हमारा है 2221052 यानी 222052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। आज का प्रोग्राम खत्म करने के अपने दोस्त अरुण पांडे को अब इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते पहलू में आया कोई, आते जाते पहलू में आया कोई, मेरे दिल बदला ना छुपा, आज से मैं तुझे दिल कहूँ या दिलरुबा। आते जाते पहलू में आया कोई, मेरे दिल बदला ना छुपा, आज से मैं तुझे दिल कहूँ या दिलरुबा। आते जाते पहलू में आया कोई, तेरी सुनो और सुन।
जाते आते जाते पहलू में आया कोई मेरे दिल बतला ना छुपा आज से मैं तुझे दिल कहूँ या दिल डुबा आते जाते पहलू में आया कोई दिल बाहर जाते पहलू में